औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वहदहू ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं, हज़ारों करोड़ों ला मतनाही दूदो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। मैं बच्चों में डिफरेंट जो उनके क्वेश्चन होते हैं, जो उनमें सवालिया निशान होते हैं जहन में, उनके कमेंट्स हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया यूट्यूब चैनल के कमेंट्स का जवाब देने का। मैंने लास्ट टाइम भी अपने स्टूडेंट से, बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि वी ओनली इंटरटेन योर कमेंट्स क्वेश्चंस गिवन ऑन दी यूट्यूब चैनल, तो हम उसका जवाब दे रहे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला कमेंट या सवाल है, सर मैं लाइव क्यों पढ़ता हूँ, ताकि किसी बच्चे को ये ना जहन में रहे कि मेरा सवाल पढ़ा नहीं गया या आंसर नहीं दिया गया। कई दफ़ा कई बच्चे कहते हैं कि मेरे सवाल का पूरा आंसर नहीं दिया गया। तो बेटा, उस आंसर कोई भी आधा नहीं देता, मैं कंप्लीट होता है, जरा गौर से दोबारा रिवाइंड करके बेशक सुन लिया करें। पहला सवाल है, सर मैंने एफएससी के मार्क्स इम्प्रूव कर, मैं एफएससी के मार्क्स इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये रोमन उर्दू में लिखा हुआ है, मेरा होप सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, अभी तक टीटीसी में इशू तो नहीं है आएगा, क्योंकि मेरे 58% हैं इम्प्रूवमेंट से पहले। बेटा, ये वही बात आ जाती है कि होप सर्टिफिकेट तो मेरा ख्याल है अथॉरिटीज आपके पिछली परफॉर्मेंस पे देंगे, तो सी एट के टीसीसी के लिए बेर मिनिमम परसेंटेज क्या लॉ की हुई है एड में, उसके लिहाज से आपने चलना है, उसी को फॉलो करना है, क्योंकि बेसिक वो इंस्ट्रक्शन है। मैं गलत इन्फॉर्मेशन या गलत परसेंटेज को उसको रेक्टिफाई करके को आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। अगला क्वेश्चन है, अगर इनिशियल में रह जाए तो आईएसबी का एक चांस रह जाता है? नहीं, इनिशियल पे किसी तरह भी फेल होने से, पास होने से आईएसबी चांस पे इफेक्ट नहीं होता। आईएसएसबी चांस तो तब आपका काउंट होता है जब आपने आईएसएसबी में रिपोर्ट की, उधर टाइम गुजारा और उसके बाद जो रिजल्ट आया। इनिशियल का कोई इम्पैक्ट नहीं है आईएसएसबी के चांसेस पे। अगला है, लॉन्ग कोर्स एंड टेक्निकल कैडेट कोर्स में से कौन सा अच्छा कोर्स है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही तगड़े हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप सिलेक्ट हो जाए और जिसमें आप दिल से मेहनत करें, रूह से मेहनत करें, क्योंकि वो क्या बुजुर्ग कहते हैं कि या काम को शौक बना लो या शौक को काम बना लो, तो ये दोनों ही अच्छे हैं बेटा, अच्छे बुरे में ना पढ़े, सारे अच्छे हैं, सिर्फ जरूरत है आपके इनपुट की और मेहनत की। अगला है, कैन वी अप्लाई इन आर्मी एजुकेशन कोर आफ्टर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काइंडली अप्लाई? आर्मी एजुकेशन कोर में बेटा बेयर मिनिमम जो एजुकेशन अमूमन ली जाती है, जो तजर्बा बढ़ाता है, दैट इज मास्टर्स डिग्री और 16 ईयर आप एजुकेशन कहते हैं हम बीएससी ऑनर्स, तो अगर वो वाली कंडीशन ये पूरी कर रही है आपकी जो डिग्री है, तो वेरी मच यू कैन अप्लाई इट अगर एमएससी के इक्विवेलेंट है। I have done matric in science and have done intermediate in ICOM. Can I join Pak Air Force or JDBS? अगर intermediate level आपका पूरा है और basic percentage आपकी पूरी है, क्योंकि देखें the level is FAFSC ना, तो FAFSC में अगर requisite percentage और age range में आप आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी degree हो और वो उसमें as per ad वो पूरी है, तो आप कर सकते हैं apply उसमें, तो इतनी वो नहीं है, problem नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। सर क्या नैनो साइंस में केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग कोर्स शॉर्ट कोर्स में? देखिए ये आपकी सब ब्रांचेस हैं आगे डिग्री की ना, एफएससी के बाद, और प्रोवाइडेड के बीएससी ऑनर या बीएससी आपने किया ग्रेजुएशन में, तो सब्जेक्ट कौन से हैं। बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी बात की कि डिग्री मैटर करती है, जो एज ए प्री रिक्विजिट बताई गई है, डिग्री के अंदर सपोर्टिंग सब इलेक्टिव कौन से हैं, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कंपल्सरी मेजर्स कौन से हैं और दूसरे इलेक्टिव कौन से हैं, वो इतना मैटर नहीं करते, डिग्री होनी चाहिए जो बुनियादी चीज है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू वेरी मच, आई एम डूइंग वेरी वेल। आई एम गर्ल एंड आई हैड बीन वेटिंग फॉर जीडीपी सीट सिंस 5 मंथ्स। आई हर्ड दे विल बी अनाउंस्ड इन फरवरी, बट नो समवन टोल्ड मी दैट द सीट अनाउंस्ड इन फरवरी आर ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स कैन ओनली अप्लाई इन अगस्त, इज इट राइट? इस सवाल का मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा बेटा आपके लिए जवाब दे देता हूँ। ये राइट और रॉन्ग जो है ना, प्लीज गेट कंफर्मेशन फ्रॉम द पीएफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, वो आपको बताएंगे, या उनकी पीएफ की जो एयर हेडक्वार्टर की जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, उधर से आपको पता चलेगा।